हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हुए थे और इस हिस्ट्री में मैंने लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। इस इंट्रोडक्शन में मैंने ओवरऑल एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात किया हुआ था और मैंने बताया था कि यहाँ पर बेसिकली दो सेक्टर्स होते हैं, दो विषय होते हैं, जहां पर एक होता है आर्ट एंड कल्चर और दूसरी होती है मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर में हमें एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी होती है और मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपकी जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसे ही पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर एक स्टार्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हिंदी मीडियम के लोग हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं उनके लिए तो सीधे सीधे ये स्लाइड ही हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पर ही आपको हिंदी में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जिसको कि आप रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूंगा वीडियो लेक्चर्स में जितने भी वीडियोस होंगे उन सब में मैं बाइलिंगुअल रहूंगा। बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहां पर मैं बोलूंगा। और यहां पर हम लोग कुछ ट्रिक्स वगैरह भी याद करेंगे जिसके माध्यम से चीजों को याद करने में आसानी हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो याद ही करने होंगे। जैसे आप जगह का नाम है तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट these are our contact details and these are some of the available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription, जिसको कि आप subscribe कर सकते हैं और अपने preparation को और better कर सकते हैं। History में हम लोगों ने last class में देखा हुआ था एक classification के तौर पे कि हमारी जो history होती है वो तीन part में बटी हुई है। एक होती है जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, दूसरी होती है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरी हम लोग हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब हो जाता है जहां पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मतलब कि जो भी खनन अवशेष या फिर जो भी कह लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई भी लिटररी वर्क नहीं मिलता है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वही अगर प्रोटो हिस्ट्री में बात करें तो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ लिटररी वर्क भी मिलते हैं, मतलब लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन इनको रीड नहीं किया जा सका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर मैंने बताया हुआ था कि उसको हमें मिला तो है, साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लास्टली आती है हमारी हिस्टोरिकल एज, जहां पर हमारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी मिले हुए हैं, लिटररी वर्क भी मिला और उसे पढ़ भी लिया गया है। जैसे अशोक का टाइम था, अशोक के टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर अभिलेख हुआ करते थे जिसको हम लोग रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे इस पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है, ब्राह्मी में, पाली में ये लैंग्वेजेस हुआ करती थी, इसमें लिखी गई है। इसको डेसिफर नहीं किया गया था, तो जब तक डेसिफर नहीं किया गया था तब तक हम लोग इसको किस में रखते थे, अगेन प्रोटो हिस्ट्री में। लेकिन इसको एक भाई साहब थे, इंग्लिश थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। इन जेम्स प्रिंसिप ने जब इसे डेसिफर कर दिया, मतलब कि जब इसे पढ़ दिया, तो पढ़ने के बाद फिर हम लोग इनको ट्रांसफर करके लेते आए हैं अपने हिस्टोरिकल एज में। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर बढ़ें तो हमारे पास प्री हिस्ट्री में कुछ चीजें हो जाती हैं पढ़ने के लिए। प्री हिस्ट्री में जैसे जिसको सबसे पहले खोजा गया था रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा, इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को फटाफट बताया हुआ था कि जो रॉबर्ट ब्रूसफूट थे वो ये भाई साहब थे और ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जिनको कि 1887 में डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा 1863 के अराउंड में इन्हें एक्सकेवेशंस के दौरान में बहुत सारी साइट्स मिली हुई थी और उसी को इन्होंने चीजें बताई। जैसे सबसे पहले इनको साइट मिली हुई थी जैसे पोलावरम, ये तमिलनाडु में जगह है और यहीं से इनको एक एक्सकेवेटेड साइट मिली हुई थी, हैंड एक्स मिला हुआ था, और इसी कारण से हम लोग इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री बोल देते हैं और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी हम लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को। यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है, ये जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के जनक है, और जबकि यहीं पर हमारे आर्कियोलॉजी के अलेक्जेंडर कनिंगम हो जाते हैं। 1861 में इन्होंने क्या किया था, आर्कियोलॉजी जो होती है उसको एक डिपार्टमेंट इंस्टॉल किया था, डिपार्टमेंट एक एस्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, जिसको कि हम लोग एज इट इज इनहेरिट करके रखे हुए हैं। आगे अगर बात करें तो हम लोगों ने यह भी बातें किया होता कि थॉमसन एक भाई साहब थे जिन्होंने डेनमार्क में ले जाकर के, मतलब कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ले जाकर के चीजों को, जो भी एक्सकवेटेड साइट्स हैं उनको ले जाकर के वहां पर म्यूजियम में रखा था और फिर वहां से हिस्ट्री को क्लासिफाई किया हुआ था। इस हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन, एक तो क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने देखा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के माध्यम से जहां पर एक्सकवेटेड साइट्स और साथ ही साथ लिटररी वर्क के तौर पे हम लोगों ने देखा है। दूसरी इन्होंने क्लासिफिकेशन निकाली
और ये क्लासिफिकेशन निकाली थी चीजों को देख करके, मतलब कि जो भी वस्तुएं, जो भी हमें साइट्स या फिर जो भी आइटम्स मिल रहे थे एक्सकवेशन के बाद, उनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन को बेसिकली तीन टाइप में किया, एक थी जो पैलोलिथिक थी, पैलोलिथिक का मतलब जो पत्थर से बने हुए थे, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कि प्रस्तर युग था। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद से कैल्कोलिथिक एज आती है, इसको हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब क्या हो जाता है, ताम्र मतलब हो जाता है तांबा, तांबा मतलब होती है कॉपर, और पाषाण मतलब होती है स्टोन एज। तो बेसिकली ये जो एज थी वो कॉपर प्लस स्टोन थी, एंड हियर द ओनली थिंग वॉज स्टोन एज। क्लियर हो गया। तो स्टोन मतलब पत्थर, यानी पाषाण काल, ये हो गया पाषाण काल। क्लियर हो गया। ओके, आयरन एज में सीधी सी बात है, यहां पर लोहे की खोज कर ली गई थी, लौह युग हो गया था, तो इसलिए हम इसको आयरन एज बोल देते हैं। क्लियर। अब जरा एक एक करके इसके बारे में जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक जो थी वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जहां पर एक है पैलियोलिथिक एज, दूसरी मीजोलिथिक एज, और तीसरी है नियोलिथिक। इनफैक्ट पैलियोलिथिक को और हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, और फिर अपर पैलियोलिथिक एज में, और बाकी इसी तरीके से कैल्कोलिथिक एज को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कल्चर्स में, लाइक कायत कल्चर, मालवा कल्चर, गणेश्वर कल्चर, आहार कल्चर और जॉर्वे कल्चर। तो हम लोग जरा अब एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या रहा है हर चीज का। तो पैलियोलिथिक एज जो होती है वो 2 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसी तक चली थी, और ये एज वो है जो बेसिकली प्री हिस्ट्री का एज है, जहां पर हमें केवल और केवल एक्सकेवेशंस मिली है, मतलब यहां पर हमें केवल और केवल जो खनन के दौरान में चीजों को निकाल करके, तब केवल चीजों को पहचान करके हम लोग इतिहास पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से मेसोलिथिक एज होती है जो कि 10,000 बीसी से, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 8,000 बीसी तक हो जाती है, और 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक हम लोग नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नव पाषाण काल। क्लियर। तो ये बेसिकली हो जाता है पूरा पाषाण काल, ये हो जाती है मध्य पाषाण काल, और ये हो जाती है नव पाषाण काल, मतलब नया नियोलिथिक, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाती है हमारी आगे की एज कैल्कोलिथिक एज, जिसको कि हम लोग ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, और ये 4000 बीसी से 1500 बीसी तक है। इसके अलावा आयरन एज आ जाती है, आयरन एज होती है 1500 बीसी टू 1200 बीसी आ जाएगी। अब इस दौरान में बहुत सारे कल्चर्स हमारे डेवलप होते हैं, जैसे एक आइडिया आपको जस्ट ओवरव्यू के तौर पर दूं, मैंने लास्ट क्लास में भी दिया हुआ था, जैसे शुरुआती दिनों में हम लोग केवल और केवल एक तरीके से मानव के बारे में, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग केवल बातें करते हैं कि मानव किस तरीके से उठा, सोया, बैठा, क्या किया, तो उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। दीज आर प्योरली प्री हिस्ट्री, मतलब यहां पर कोई भी लिटररी वर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा ही नहीं गया है, और ये जो चीजें हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड के दौरान में आ जाती हैं। फिर आती है हमारी कैल्कोलिथिक एज। इस कैल्कोलिथिक में बेसिकली तांबा यानी कि कॉपर की खोज कर ली गई थी, और कॉपर की खोज करने का मतलब है कि ये आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये बेसिकली हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान में बात हो जाती है। और फिर लास्टली आ जाता है आयरन एज, और आयरन एज का मतलब ये होता है कि यहां पर लोहे की खोज कर ली गई है, इसीलिए बोला जाता है इसको लौह युग, और ये होती है जो वैदिक के जाए आती है। तो वैदिक कल्चर में यहां पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। वन बाय वन करके अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करें, देखिए यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपको याद करना है, रट्टा मारना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के लिए भी अगेन एक और सीरीज बनी हुई है, उसको मैं अभी साथ में इंक्लूड कर दूंगा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, पहले इसको रीड करना है, इसकी नोट्स भी बनानी है, हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा, बट ये है कि नोट्स आप बना लेंगे तो इट विल बी बेटर, एक बार लिख लेते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं। नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज भी जो रहेगी, उस क्वेश्चन को भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन भी काफी मतलब बहुत ही ब्रॉड वैरायटी है, और अलग अलग बुक से उठा करके लिया गया, सीधे स्क्रीन शॉट है और उसी को डिस्कस किया गया। ओके, चले आते हैं तो वापस से प्री हिस्टोरिकल एज में आ जाते हैं। तो प्री हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज की। इस पैलियोलिथिक एज को अगेन तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने बोला, एक हो जाती है जो अर्ली हो जाती है, अर्ली मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज हो जाती है, दूसरी होती है मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरी होती है अपर पैलियोलिथिक एज। अर्ली मतलब लोअर को बोल देते हैं हम लोग कि ये निम्न पाषाण काल है, तो हिंदी में आप बोल सकते हैं कि ये निम्न पाषाण काल है। सिमिलरली यहां पर आ जाता है मध्य पाषाण काल, और ये हो जाती है अपर या फिर कह सकते हैं उच्च पाषाण काल।
क्लियर हो गया क्या चीज है। हालांकि इसकी नोट्स रहेगी तो आप नोट्स को देख करके भी पढ़ सकते हैं, तो आप आराम से इसको डिस्कस कर लेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम तो खैर देखते ही रहिए। लोअर पैलियोलिथिक एज का मतलब हो जाता है कि अप टू 1 लाख BC हम लोग बोलते हैं इसको, मतलब कि 10 लाख से होता है 10 लाख से 1 लाख BC तक हम लोग बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक। 10 लाख से 40,000 और 40 लाख से 10,000 BC तक हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या चीज, अपर पैलियोलिथिक एज। ये सारा का सारा पैलियोलिथिक यानी कि पाषाण काल स्टोन एज ही चल रहा है। क्लियर हो गया। आगे अगर देखें इसके बारे में तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक के बारे में बात कर लेते हैं, और बात करने से पहले एक काम करते हैं, इसको मैं एक क्लासिफाई कर देता हूं, तीनों चीजों को आपस में बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, जहां पर हमारी ये मान लेते हैं कि ये लोअर पैलियोलिथिक है, यहां पर जो होती है मिडिल पैलियोलिथिक है, और थर्डली यहां पर आ जाती है अपर पैलियोलिथिक। यहां पर देखिए ये बात कर रहा है कि 10 लाख से लेकर के ये 1 लाख बीसी तक की बातें हो रही हैं, यानी कि यहां पर जो भी मनुष्य होगा, जो भी ह्यूमन होगा, वो एकदम जानवर टाइप का होगा। जानवर टाइप का मतलब कि इसको जीरो नॉलेज होगी। तो यहां पर बेसिकली जीरो नॉलेज होती है। इस जीरो नॉलेज के बाद ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं हिस्ट्री को, तो हम लोग ऐसा तो है नहीं क्लासीफाई करेंगे कि आज मानव सो करके उठा है तो नया वाला पीरियड, नहीं। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के हिसाब से ही हम लोग क्लासीफाई किए होंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, अब इस डेवलपमेंट को बस ध्यान में रखना है, क्योंकि हिस्ट्री को हम लोग कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कोई ना कोई मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट हुई होगी, तभी हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करेंगे। अब देखिए हम लोग 10 लाख से 1 लाख को बोल रहे हैं लोअर, इसी तरीके से 1 लाख से लेकर के हम लोग बोल रहे हैं 40,000 को हम लोग बोल रहे हैं इसको मिडिल, और 40,000 से लेकर के इसको 10,000 तक बोल रहे हैं हम लोग इसको अपर। यहां पर इसको जीरो नॉलेज रहती है, यहां पर थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है, तो यहां पर लिटिल नॉलेज बोल सकते हैं, और यहां पर बोल सकते हैं रिलेटिवली हायर नॉलेज हो गई है, यहां पर हायर नॉलेज हो गई है। अब ये नॉलेज का मतलब क्या चीज है, देखिए यहां पर लोअर पैलियोलिथिक में यहां पर जानवरों को मार करके खाया जाता था, तो ये बेसिकली एनिमल हर्डरर थे, तो ये एनिमल हर्डरर हुआ करते थे, और साथ ही साथ में भोजन जो भी खाना खा रहे हैं उसको ये स्टोर करते थे, तो ये बेसिकली स्टोर भी कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी खाना है तो इनको पता है कि भाई नेक्स्ट डे में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए स्टोर भी कर लेते थे। लेकिन यहां पर ये एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते थे, केवल मार के खाते थे, आगे बढ़ते थे, तो एनिमल हस्बेंड्री का प्रूफ नहीं मिला है, तो एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते थे, और इनको ऑब्वियसली फायर वगैरह का ना तो नॉलेज था ना तो यूज करते थे, तो नॉलेज भी नहीं है और साथ ही साथ में यूज भी नहीं करते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये बेसिकली देख सकते हैं कि एक तरीके का पूरा आदि मानव ही है। आदि मानव जो आपके मन में पिक्चर आती होगी बंदर वाली, वही जो है यहां पर लोअर पैलियोलिथिक एज में हम लोग बोलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसको नॉलेज हो गई है, तो नॉलेज हो गई इसका मतलब क्या कि तुरंत तुरंत जो होता है गेहूं पका के खा लेंगे क्या, नहीं, अभी भी एनिमल हर्डरर ही है। एनिमल हर्डरर है मतलब कि अभी भी जानवरों को मार करके ही खा रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जानवर आएगा तो जानवर, लेकिन यहां पर हम ये केवल और केवल प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। प्रोटेक्शन का मतलब कोई जंगली जानवर आ जाएगा आपको मारने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, बचाने के लिए रखेंगे, तो बचाने के लिए क्या पाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कुत्ता पाला जाता है, यानी कि दे स्टार्टेड मेकिंग रिलेशनशिप विद द डॉग। तो ये बेसिकली डॉग के साथ में एक एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर देते थे, यहां पर ये डॉग्स को रखना शुरू कर दिए, बाकी स्टोर वगैरह तो कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फायर के बारे में अगेन इनको जानकारी नहीं है, ये यूज नहीं करते थे फायर को, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज में यहां पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा यहां पर क्या होगा, ये एक तरीके का क्या होगा, ही विल बी नोमैडिक, जो मैन होगा वो नोमैडिक होगा, मतलब कि घुमंतु प्रणाली का होगा, घूम रहा होगा। यहां पर भी क्या होगा, नोमैडिक होगा, भाई रुकने के लिए कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, जानवर को मार करके खा गए हैं अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो नोमैडिक वाला पार्ट है, जो नोमैड्स है, ये नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है देखते हैं। यहां पर क्या होती है कि ये लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं, और एग्रीकल्चर करेंगे तो सीधी सी बात है रुक करके एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, मतलब यहां से परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस परमानेंट सेटलमेंट से नोमैडिक हर्डरर, जो नोमैड्स घूम रहे होते थे, घुमंटू प्रणाली के थे, वो अब खत्म हो जाएगा, एंड नाउ दे विल सेटल परमानेंटली। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर ही थे, तो एनिमल हस्बेंड्री करना अभी भी कंटिन्यू कर लेंगे। इसके अलावा
अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये उठता है उगाते क्या थे, मतलब कि ये हार्वेस्ट किस चीज का करते थे। तो दो तरीके की क्रॉप है, एक है जो वीट है मतलब गेहूं उगाते थे, और दूसरा बार्ले है। बार्ले का मतलब क्या होता है, बार्ले का मतलब होता है जौ। तो जौ है और गेहूं है, लेकिन ये है उगाने वाला। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या उगाया था, तो सबसे उगाया गया था बार्ले यानी जौ। लेकिन अगेन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो भोजन, सबसे पहला जो फूड हैबिट थी वो गेहूं की थी। हाउ कैन दिस हैपन, कैसे हो सकता है ये। एक्चुअली होता क्या था कि जो बार्ले थी, इस बार्ले को केवल और केवल पूजा काम के लिए आया था, मतलब कि ये केवल और केवल कह लीजिए वॉर्शिपिंग पर्सपेक्टिव के लिए था। तो ये बेसिकली यहां पर इसको पूजा के लिए यूज करते थे, लेकिन जो गेहूं था, जो वीट था, उसको ये लोग फूड हैबिट में लेकर के आए थे, खाना खाने के लिए यूज करते थे। तो क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वीट बार्ले उगा रहे हैं, तो रखने के लिए इनको सामान भी चाहिए। तो सामान रखने के लिए लोग पॉटरी बना लिए। पॉटरी बना है तो ऑब्वियसली पहिए का आविष्कार हो गया होगा। भाई किस पे पॉटरी वो बनाएंगे, बनाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इनको चलाने के लिए ये अब पहिए का आविष्कार हो जाता है, मतलब डिस्कवरी ऑफ द व्हील हो जाती है। और इसी व्हील पर रख करके ये बेसिकली अपना पॉटरी, अपने जो भी सामान, जो भी जिसमें रखना होता है स्टोरिंग ग्रेन, जो भी चीजें हैं, उसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर व्हील भी स्टार्ट हो जाती है, व्हील जो होता है वो बन जाता है। तो एक क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली कि लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज में क्या डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में अब जरा डिटेल्ड डिस्कशन करना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों ने अभी बात किया था, हंटर और फूड गैदरर था। टूल्स जो यूज किए गए थे तो वो बेसिकली एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स यूज किए गए थे। और ये कहां से मिलता है, इसका प्रूफ कहां से मिलता है, देखिए कुछ कुछ चीजें मैं यहां पर एक्स्ट्रा नोट करते रहूंगा, क्योंकि ये जो नोट्स है बेसिकली वो एनसीईआरटी से नोट्स बनाई गई है, और जो एक्स्ट्रा मैं चीजें बताऊंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट अदर बुक्स से मैं बताऊंगा। तो यहां पर जो बुक्स, जो प्रूफ है वो मिलता है दो तरीके का कल्चर, और ये जो दो कल्चर है वो आपको ध्यान में रखना है। एक कल्चर बोला जाता है फलक कल्चर, फलक कल्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चॉपिंग, चॉपिंग कल्चर मिलती है, और दूसरी होती है जो मद्रास कल्चर होती है। तो ये तो हिंदी इंग्लिश सेम ही हो गया। तो यहां पर बेसिकली मद्रास कल्चर, दो तरीके का कल्चर मिल जाता है। ये कल्चर केवल और केवल जो होते हैं, जितने भी हैंड टूल्स हैं, इस टूल्स के बेसिस पे केवल और केवल डिवाइड किया गया है। वन इज द चॉपिंग कल्चर एंड अदर वन इज द मद्रास कल्चर। अर्लियर पैलियोलिथिक एज के जो भी चीजें मिली वो बोरी में मिली है। बोरी कहां पर है, बोरीवली वही महाराष्ट्र में। क्लियर। तो यहां पर आप चीजें याद कर सकते हैं, याद करने के लिए कि पहले जो भी सामान होता है, जो भी आप देखे होंगे अपने स्टोर रूम में भी, चीजें जो होते हैं बोरे में भर करके रख दिया जाता है। तो फ्रॉम देयर यू कैन मेमोराइज दिस बोरी, बोरी में चीजें मिल रही है। तो लाइम स्टोन यूज किया जाता था इनको, चीजों को बनाने में। मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो देखिए मेजर साइट जो होती है वो सोन वैली है, सोन वैली जिसको हिंदी में बोलते हैं सोहन वैली। ठीक है, सोन वैली हो गई, कश्मीर हो गया, मेवाड़ प्लेन्स हो गया, सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, कावेरी रिवर हो गया, बेलन वैली हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया है। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और यहां पर हमारा फोकस रहेगा स्टेट पीसीएस। हालांकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही मतलब सिंपल होते हैं, आप इसको बहुत आराम से इस वीडियो लेक्चर के बाद आप चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी आप जो होता है एग्जाम दे सकते हैं, हर जगह पर ये काम आ जाएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसका नाम मैं लिखते आ रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम। ठीक है, अतिरम्पक्कम ये जगह है तमिलनाडु में, और ये जो होती है वो इंपॉर्टेंट साइट है लोअर पैलियोलिथिक एज के लिए। इसके अलावा एक और है हथनौरा, हथनौरा ये मध्य प्रदेश में पाई गई है, और यहां पर एक्चुअली स्केलेटन मिला है, और स्केलेटन भी केवल और केवल हेड मिला है, मतलब खोपड़ी केवल और केवल मिली हुई है। ठीक है, ये पाया कहां गया है, ये नर्मदा वैली में है, तो ये नर्मदा वैली के पास में पाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मतलब मध्य प्रदेश में एक और है भीमबेटका, भीमबेटका यहां पर क्या है, पेंटिंग्स मिली है, और इस पेंटिंग्स के दौरान में हम चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोअर पैलियोलिथिक एज के लोगों ने क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। लेकिन यहां पर देखिए पेंटिंग्स ये लोअर पैलियोलिथिक वाले नहीं किए हैं, यहां पर क्या है कि बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं। स्केलेटन्स के अलावा यहां पर हमें जो होता है बोन्स मिले हुए हैं, मतलब कि अस्थियों की जो राख, अस्थियों के जो अवशेष होते हैं, बोन रिमेन्स, ये मिले हुए हैं। और इसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर इस इलाके में
इस लोअर पैलियोलिथिक एज के लोग रहा करते होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा बेलन वैली, बेलन वैली जो होती है वो मिर्जापुर में है, तो ये मिर्जापुर में यहां से भी हमें चीजें मिली हुई है। क्लियर हो गया। देखिए यहां पर क्या है कि मैं कुछ आपको वैलीज बता दे रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, लगातार बने होंगे, तो एक जगह पे मैं लिख देता हूं। जैसे एक है जो सोन वैली है, ये सोन वैली जो है वो पंजाब, इनफैक्ट पंजाब जो आज की डेट में पाकिस्तान में चला गया है उस वाले पंजाब में सोन वैली थी। इसके अलावा नर्मदा वैली, नर्मदा वैली तो आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, और ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक और है बेलन वैली, ये बेलन वैली जो होती है वो यूपी में थी, यूपी में भी इलाहाबाद और मिर्जापुर के पास में ये बेलन वैली हुआ करती थी, आज की डेट में खत्म हो गई है। इसके अलावा सोन वैली हो गई, नर्मदा हो गई, बेलन वैली हो गई। इसके अलावा जो हमारे पास और भी जो रिवर प्लेन्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे, जैसे बनास वैली, दिस वॉज बनास वैली, ये जो बनास वैली थी वो राजस्थान में थी, ये भी इंपॉर्टेंट है और लगातार बना रहेगा इस सीरीज में। और एक और है कोरतलियार वैली, तो दिस वन इज कोरतलियार वैली, और ये जो कोरतलियार वैली है ये बेसिकली साउथ इंडिया तमिलनाडु में थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ये लगातार बने रहेंगे। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग्स कि देयर आर हैबिटेशन साइट्स, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि देखे, देयर आर हैबिटेशन साइट्स इंक्लूडिंग केव एंड रॉक शेल्टर्स, और बाकी भीमबेटका के लिए तो पता ही आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और बाकी इस साइट्स को जितने भी साइट्स हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2003 में नियुक्त कर दिया गया था। बाकी जो होता है इंपॉर्टेंट प्लेस जो होती है वो भीमबेटका है, उसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। अब इसके बाद से आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। इस मिडिल पैलियोलिथिक एज में मैंने आप लोगों को बताया है कि थोड़ा थोड़ा यहां पर आदमी जो होता है वो आदमी टाइप का होना शुरू हो गया था, मतलब कि अब एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर देगा, कुत्ता वगैरह पालना शुरू कर देगा। तो यहां पर जो भी टूल्स यूज किए जाते थे वो थोड़े से और शार्प टूल थे, जो हम लोग लोअर में यूज किए थे उससे शार्प टूल थे, क्योंकि अगेन लिटिल नॉलेज हो गया है, तो लिटिल नॉलेज हुआ है तो कुछ नॉलेज का कुछ इस्तेमाल तो करेगा ही ना करेगा, तो इस तरीके से शार्प टूल बनाना शुरू कर दिए थे, छोटे टूल बनाते थे, इसीलिए उसको बोला जाता था कि ये जो है माइक्रोलिथ्स बनाते थे, तो ये माइक्रोलिथ्स बनाना शुरू कर दिए थे, छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए थे, लाइक ब्लेड हो गया, पॉइंटर्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, बोरर्स हो गए। टूल्स वर स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, तो इसको ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये माइक्रोलिथ्स है। मेजर साइट्स के बारे में अगेन बात करें तो यहां पर भी देखिए, जहां पर लोअर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि लोअर के बाद जो होता है चीजें खत्म हो जाएंगी, लोअर के आसपास ही चीजें होंगी, तो लोअर के आसपास जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं। जैसे आपकी लोअर के लिए हम लोगों ने बात किया था मेजर वैलीज के बारे में, जैसे हम लोगों ने देखा था राजस्थान में चीजें मिल रही थी, मध्य प्रदेश में चीजें मिल रही थी, लाइक भीमबेटका हो गया, नर्मदा वैली हो गई, इसी तरीके से यूपी में हम लोगों ने देखा था कि बेलन वैली मिल रही होगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसी के साथ ही, इसी के आसपास ही मिडिल की भी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। अभी मिडिल की चीजें मिलेंगी कहाँ कहाँ, अगेन अगर यूपी में है तो यहाँ पर भी यूपी में होगा, तो यहाँ पर भी बेलन वैली में मिल जाती है चीजें, ठीक। इसी तरीके से राजस्थान में अगर देखेंगे, सिमिलरली देखिए बेलन वैली मिलेगी तो ऑब्वियसली मिर्जापुर में भी हमें चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, तो मिर्जापुर में भी हमें चीजें मिल जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बेलन वैली में मिल रही है, सिमिलरली जो होती है वो मिर्जापुर के पास में मिल जा रही है। मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो अगेन यहाँ पर नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली में चीजें मिल जाएंगी, और यहीं पर जो होता है भीमबेटका भी है, तो भीमबेटका में भी हमें चीजें मिल जाएंगी, एक्सकेवेटेड साइट्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ में राजस्थान में हमें बनास वैली और लूनी वैली में भी चीजें मिल जाती हैं, तो ये बेसिकली लूनी वैली है जो आपको थोड़ी ध्यान में रखना है, बाकी सोन और नर्मदा रिवर्स है ये आपको पता ही हो गया, भीमबेटका हो गया पता ही हो गया। इसके अलावा थोड़े और साइट्स के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और अगेन एग्जाम में आता है, तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे राजस्थान में एक इलाका है बागौर, तो बागौर में यहां से एनिमल हस्बेंड्री का प्रूफ मिला हुआ है, तो एनिमल हस्बेंड्री हो गई यहां से, बागौर हो गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक इलाका है जिसका नाम है आदमगढ़, इस आदमगढ़ से अगेन एनिमल हस्बेंड्री का प्रमाण मिला हुआ है, प्रूफ मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं आदम 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 टाइप का जो है कोई जानवर ही हो सकता है, तो ये जानवर हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। या बागौर से आप याद कर लीजिएगा, बागौर लाइक बकरी टाइप का, तो यहाँ पर जो होता है एनिमल हस्बेंड्री हो जाती है। बाकी यहाँ पर मिर्जापुर के पास में और इलाहाबाद के पास में अगेन यहाँ पर हमें चीजें मिल जाती हैं, जैसे एक इलाके का नाम है लेखड़िया, तो लेखड़िया यहां से हमें
बोन रिमेन्स मिले हैं, अस्थि के अवशेष मिले हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जगह का नाम यूपी है, तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो लेखड़िया नाम याद रखे रहिएगा, ये जो है पाई गई है यूपी के इलाहाबाद के पास में। इसी तरीके से एक और है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो ये भी जगह है अगेन इलाहाबाद के पास में, और यहां पर पॉटरी मिली हुई है, पॉटरी मिली हुई है, पॉट्स वगैरह मिले हुए हैं, मृदभांड जिसको हिंदी में बोलते हैं वो मिला हुआ है। बाकी तो आपको चीजें देख ही रहे हैं, समझ गए होंगे क्या चीजें। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अपर पैलियोलिथिक एज आ जाती है। इस अपर पैलियोलिथिक एज में हमें जो मानव था वो थोड़ा थोड़ा तो ठीक ठाक हो ही गया था, और यहां पर क्या है कि इमर्जेंस ऑफ होमो सैपियंस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि इसके पास में अच्छा खासा नॉलेज था, और इस नॉलेज के कारण से अगेन भाई एग्रीकल्चर वगैरह करना शुरू करेगा, तो यहां पर बेसिकली ये बोन टूल्स बनाना शुरू कर देता है, लाइक नीडल्स हो गए, हार्पून हो गए, ब्लेड हो गए, फिशिंग टूल हो गए और बरिन टूल्स हो गए। देखिए ये टूल्स आपको याद नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक अ माइंड कि किस तरीके से डेवलपमेंट चीजें हो रही हैं। मेजर साइट्स के बारे में अगेन देखिए, लोअर में हम लोगों ने जो बातें की थी, जो भी जो मिडिल में बातें की थी, ऑब्वियसली उसी के आसपास ही हमें चीजें मिलेंगी। अब जैसे यहां पर जो मानव है वो नोमैड है, यहां पर जो है वो घूम रहा है, तो घूमते घूमते कितना दूर जाएगा, अगेन यहां पर भी नोमैड है, और नोमैड के बाद यहां पर जो होता है परमानेंट सेटलमेंट टाइप की चीजें होना शुरू हो रही हैं। तो इस वजह से जो भी इलाका है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो या फिर यूपी का हो, तो इस इलाके के आसपास ही हमें चीजें मिल जाती है। सिमिलरली यहां पर भी वही सब कुछ सेम सेम सा ही मिला हुआ है, तो उसी तरीके से यहां पर भी हमें चीजें मिल जाती हैं, लाइक बेलन, अगेन बेलन जो होता है वो यूपी में था, तो बेलन वैली हो गई, और बेलन वैली है तो ऑब्वियसली हमें इलाका दो मिलेगा ही मिलेगा, कौन सा, मिर्जापुर का इलाका मिलेगा और साथ ही साथ में इलाहाबाद का भी इलाका मिल जाएगा। इसके अलावा सोन देख सकते हैं, सोन इज अगेन जो बिहार में हालांकि पड़ता है, बट अगेन सोन एंड गंगा वैली कवर हो जाती है हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में ही। छोटा नागपुर प्लेटू हो जाएगा जो कि बिहार में हो गया है। महाराष्ट्र, ओके, यहां पर एक और इलाका आ जाता है लाइक महाराष्ट्र का, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ में उड़ीसा, ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहां पर जो है इंपॉर्टेंट साइट्स मिल जाती हैं। क्लियर। पेंटिंग्स होती है भीमबेटका की, अगेन जो होती है इस इलाके में मिलेंगी ही मिलेंगी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये भीमबेटका भी इलाका हो जाएगा। देखिए ये ऐसा एक चैप्टर है जिसको बार बार आपको लिख लिख करके याद करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक कंसेप्ट मेकिंग बन जाए, एटलीस्ट एक एक इलाके का नाम तो याद ही हो जाएगा। एक बार और अगर वीडियो को देख लेंगे या फिर अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो कंप्लीटली आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अब हम लोग आते हैं अपने मीसोलिथिक पीरियड में, जिसको कि हम लोग मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। इस मिडिल स्टोन एज में मेजर क्लाइमेटिक चेंज हुए थे। मेजर क्लाइमेटिक चेंज का मतलब अगेन वहां पर भी कुछ ना कुछ जो होती है क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे होंगे, जिसे ज्योग्राफी में हम लोग चीजों के बारे में बात किए हुए थे, और यहां पर हम लोगों ने बात किया होता प्लेट टेक्टोनिक को लेकर के। प्लेट टेक्टोनिक, इस प्लेट टेक्टोनिक में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी। इस डेवलपमेंट को हालांकि जीएस में उतना नहीं पढ़ते हैं आप, बट हाँ आप पढ़ रहे होते हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और उनको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस वर हैपेंड एट दैट टाइम। एग्जैक्टली हुआ क्या था यहां पर कि जो टेथिस सी हुआ करती थी, वो टेथिस सी के कारण से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल गए थे। जैसे जो ग्रेटर ग्रेट प्लेन्स है, उस ग्रेट प्लेन में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। जो कच्छ रीजन था, उस कच्छ रीजन में भी काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे थे, क्योंकि यहां पर बेसिकली रिट्रैक्शन चल रही थी, रिट्रैक्शन ऑफ ओशियन, या फिर कह सकते हैं कि रिट्रैक्शन ऑफ द सी, जिसके कारण से काफी ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे। यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैंने यहां पर कुछ नहीं बताया है, आप ध्यान रख लीजिए कि मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं। इस क्लाइमेटिक चेंज का मतलब था कि अब जो सिस्टम था, मतलब जो मौसम था, वो मोर वार्मर और मोर ह्यूमिड हो गया था। काफी ज्यादा गर्मी टाइप की हो गई थी और एक तरीके से ह्यूमिड का मौसम हो गया था, काफी ज्यादा आर्द्र मौसम हो गया था, रेनफॉल बढ़ गई थी, और बाकी फ्लोरा एंड फौना काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे। फ्लोरा एंड फौना के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स भी होना शुरू हो गया था। इस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब था कि जैसे बफेलो हो गई या जो भी हमारे बुल्स वगैरह, इनको अब पालना शुरू कर दिया गया था। स्टार्ट होती है 12,000 बीसी से, और फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग किया गया था, जिसके बारे में हम लोग अभी पहले ही डिस्कस किए थे कि कुत्ता पाला गया था पहला जो था। शीप, गोट्स, ये भी जो होता है कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, क्योंकि इनसे जो है हमें डेली आइटम्स मिलते थे, जैसे वूल हो गया या फिर मिल्क हो गई, ये चीजें मिल जाती थी। फूड गैदरिंग अभी भी कंटिन्यूड थी,
फर्स्ट ह्यूमन जो कलोनाइजेशन है वो गंगा प्लेन के पास में देखने को मिलता है. एक्चुअली ये गंगा प्लेन जो होती है ये वही बेलन वैली है, ये वही बेलन वैली है जो इलाहाबाद और मिर्जापुर के पास में हमें देखने को मिल जाती है. यही कंटिन्यू होती है सोन प्लेन के पास में भी. सोन प्लेन मतलब कहां पे, बिहार में. तो ये भी यहां पर कंटिन्यू हो जाती है. माइक्रोलिथ्स जो होते हैं वो एक्सक्वेट किए गए. माइक्रोलिथ का मतलब वही छोटे छोटे औजार. तो छोटे छोटे औजार का मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स, प्रॉब्ली स्ट्रक टू द स्टोन टू यूज द सॉज एंड स्टिकल्स. तो ये सब चीजें वही यूज हो रही हैं जो बेसिकली जो अपर स्टोन एज में यूज की जा रही होती थी. ठीक है, मेजर साइट्स के बारे में बात कर ले तो अगेन जो होती है ये चीजें वही साउथ इंडिया वाले भी आ जाएंगे और साथ ही साथ जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है लाइक ब्रह्मगिरी आ गया मैसूर में, तमिलनाडु में आ जाती है, इसी तरीके से सॉरी कर्नाटक में आ जाती है, नर्मदा वैली आ गई, विंध्याज आ गया, गुजरात हो गया, यूपी में अगेन बेलन वैली हो जाती है, सोजत हो जाता है जो राजस्थान में, भीमबेटका, गोदावरी प्लेन और सराय नाहर राय ये आ जाती है. यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताने चाहूंगा. ये महाराष्ट्र के सॉरी मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ का है. प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश, तीन साइट्स है जो आपको याद रखना है. एक का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है सराय नाहर राय. इस सराय नाहर राय के अलावा दो और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. एक का नाम है दमदमा, दमदमा और दूसरे का नाम है महदहा, महदहा. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसका नाम याद रखिएगा. सराय नाहर राय में एक्चुअली क्या हुआ था कि वॉर के पॉसिबिलिटीज माने जा रहे हैं. वॉर के पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है कि यहां पर एक कह लीजिए कि स्तंभ, मतलब कि यहां पर एक जो होता है वो रॉक एडिक्ट टाइप की चीजें मिल रही हैं. एक तरीके का बोल सकते हैं कि यहां पर पिलर पाया गया है. तो यहां पर एक पिलर मिला हुआ है, साथ ही साथ में यहां पर चार लोगों के बोन्स मिले हुए हैं, पूरा का पूरा स्केलेटन. मतलब यहां पर कोई ना कोई वॉर हुआ होगा. महदहा का मतलब ये होता है कि यहां पर एक्चुअली दो कपल्स के रिमेन्स मिले. दो कपल्स का मतलब क्या हो गया कि यहां पर वुमेन और मेन दोनों के साथ साथ में ही अस्थियां मिली हैं, बोन्स मिले हैं. इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि चाहे आदमी मरे चाहे औरत मरे दोनों को एक साथ में दफन कर दिया जाएगा. यानी कि सती सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर होता रहा होगा. ठीक है, इसी तरीके से हड्डियों के जो होती है ज्वेलरीज मिल रही है, बोन ज्वेलरीज मिल जा रही है, जैसे भूत वाला होता है ना, तो वैसा ही चीजें मिल रही है. दमदमा में यहां पर क्या है कि तीन जो है वो मेल रिमेन्स मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, और पांच जो है वो कपल मिले हैं. कपल का मतलब कि अगेन बोन जो है वो कपल फॉर्मेट में मिली है, वही स्त्री और पुरुष दोनों मिला के मिली हुई है. तो इसलिए अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके याद रखने के लिए. लास्टली आ जाती है न्यूलिथिक पीरियड के दौरान में, जो कि न्यू स्टोन एज है. इस न्यू स्टोन एज में पूरी तरीके से ह्यूमन जो था वो नॉलेज वाला हो गया था, एक होमोसैम्पियंस वाला हो गया था. तो यहां पर बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर हो गई थी. यहाँ पर नोमैड से परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस ही किए हुए हैं. तो ये बेसिकली यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी. क्लियर हो गया क्या चीज है. व्हील्स जो होती है वो डिस्कवर कर ली गई थी, और व्हील के कारण से यहाँ पर पॉटरी भी बनना शुरू हो जाएगा, जिसको कि हम लोग शुरुआत में ही डिस्कस किए हुए थे. जो एग्रीकल्चर किया गया उससे जो चीजें मिली वो क्या, रागी. और रागी का यूज किसके लिए किया जाता था, वॉशिपिंग के लिए, पूजा वूजा करने के लिए किया जाता था. वीट किसके लिए, फूड के लिए किया जाता था. और बाकी जो होता है हॉर्स ग्राम, ये सब चीजें कल्टीवेट की जा रही होती थी. ये आग की भी खोज कर लिए थे, आग जलाना समझ गए थे, कैसे आग को जलाना. इससे पहले तो आग केवल देख रहे थे, जलाना समझ गए थे. पॉटरी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पॉटरी जानते होंगे. आर्ट वॉज सीन इन द केव पेंटिंग ऑफ द डांस. यहाँ पर जो होता है थोड़ा मोड़ा अब जो है वो पेंटिंग वगैरह करना शुरू कर दिए थे, डांस वगैरह करना शुरू कर दिए थे. ऑल्सो शोज फर्स्ट इंटरनेशनल डिस्पोजल ऑफ द डेड. मतलब यहां पर क्या है, डेड को अब डिस्पोज करना शुरू हो गया था. मतलब ये बेसिकली अब समझ गए थे, एक नॉलेज वाला बंदा हो गया था. अब धीरे धीरे डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर में स्टार्ट हो गई थी. अगर मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो मेजर साइट्स महाराष्ट्र से मिलती हैं, और महाराष्ट्र में भी इनफैक्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र से मिलती हैं, जैसे इनाम गांव हो गया. इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे दैमाबाद हो गया. दैमाबाद अगेन इट इज इन वेयर, इट इज इन महाराष्ट्र. ओके, इसी तरीके से आपकी हल्लूर हो गई, या फिर पयमपल्ली हो गई, चिरांड हो गया जो कि बिहार सरन इलाके में है, एविडेंस ऑफ हाउसेज मिले हुए हैं. मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान का. इसी तरीके से दाउजली हेडिंग हो गई, फिर बुजहोम हो गया. तो बहुत सारे मिले हुए हैं. इसमें से जो इंपॉर्टेंट है अगेन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ,
जो आपको याद करना है, रट्टा मारना है। जैसे एक है दहमाबाद, ये आपको याद ही करना है। इसके अलावा और भी चीजें याद करनी है, लाइक इनाम गांव याद करना है, तो इनाम गांव हो गया। इसके अलावा कश्मीर में आपको दो इलाके याद करने हैं, एक तो इलाका यहाँ पर लिखा हुआ है बुरजहोम, और साथ ही साथ में एक और आपको याद करना है गुफकराल। गुफकराल, ठीक है, गुफकराल से आप याद रख सकते हैं गुफा वाली चीजें, गुफकराल, ठीक है, गुफकराल से याद कर लेंगे आप लोग चीजें क्या है। इसी तरीके से पाकिस्तान की बहुत सारी साइट्स हैं, हालांकि पाकिस्तान की साइट्स का पूछा जाना थोड़ा सा डाउटफुल होता है, बट फिर भी याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर जो होता है राणा घुंडई, राणा घुंडई। इसी तरीके से बालाकोट, बालाकोट अटैक भी हुआ था, बालाकोट हो गया। फिर इसी तरीके से डाबर कोट हो गया, डाबर कोट के अलावा मुगल घुंडई हो गया। तो जितनी घुंडई वाली चीजें हैं वो अगेन यही है, मुगल, मुगल घुंडई, ठीक है, मुगल घुंडई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और इलाका है मेहरगढ़, ये भी याद रखिएगा, मेहरगढ़। अब देखिए यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इलाहाबाद की एक साइट है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, यहां पर भी राइस कल्टीवेशन के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, इसलिए याद करना है। अगेन ये न्योलिथिक पीरियड का हो जाता है। इसी तरीके से संत कबीर नगर, संत कबीर नगर गोरखपुर के आस, मतलब पास में ही है, नेबर, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो संत कबीर नगर जो है, इस संत कबीर नगर में एक इलाका है लहुरा देव, लहुरा देव, यहां से भी चावल की खेती, मतलब की राइस कल्टिवेशन के रिमेन्स मिले हुए। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूपी पीसीएस स्टेट एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। बाकी देखिए हम लोगों ने मतलब ये चीजें डिस्कस कर लिया है, पैलियोलिथिक के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक के बारे में डिस्कस किया, देन हम लोगों ने मीजोलिथिक के बारे में बात किया, और फिर हम लोगों ने नियोलिथिक के बारे में बात किया। यहाँ पर जो होता है पूरी तरीके से एनिमल टाइप का ह्यूमन रहता था, जानवरों को खाता था। मीजोलिथिक में एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर दिया था, दिस वॉज द मेन डेवलपमेंट। और नियोलिथिक पीरियड में जो मेन डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी, व्हील बन गया था, पॉटरी बना लिया था, और साथ ही साथ में फायर की भी ज्ञान हो गया था। अब इसके बाद से नेक्स्ट कल्चर हमारी आती है कैलकोलिथिक, और यहां पर कैलकोलिथिक का मतलब होता है कॉपर, पहला ऐसा मेटल जिसको कि यूज किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, और उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर। और उसी के नाम पे, अगेन मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बोला हुआ है, डेवलपमेंट के हिसाब से ही हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो डेवलपमेंट का मतलब यहां पर तांबा इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया, मेटल यूज करना शुरू कर दिया गया। तो अगेन वी हैव टू डिवाइड इट हियर टू स्टडी एंड रिसर्च इन दिस टॉपिक, और इस तरीके से यहां पर चीजें कर दी गई हैं। और यहां पर जो होता है बेसिकली पांच तरीके का हमें कल्चर देखने को मिलता है, और इन पांचों कल्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले होती है कायथ कल्चर, कायथ कल्चर इज इन राजस्थान, मालवा कल्चर अगेन राजस्थान आप बता सकते हैं, सॉरी दिस इज नॉट इन राजस्थान, एक्चुअली दिस इज इन मध्य प्रदेश, कायथ मध्य प्रदेश में इलाका है, मालवा आपको पता ही है मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। गणेश्वर और आहड़ कल्चर, ये दोनों के दोनों राजस्थान में है, और जौरवे कल्चर ये महाराष्ट्र की कल्चर है, ठीक है। राजस्थान में इस आहड़ में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस वॉज कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और यहां पर जो होता है ये राजस्थान में थी, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो स्प्रेड कर रखी थी पूरे इलाके में, राजस्थान, फिर इसी तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी कुछ पार्ट में ये फैला हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी कायथ और मालवा कल्चर, इसके बारे में केवल और केवल नाम याद रखिएगा, एट सच कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है, जस्ट नाम है। तो नाम के लिए मैंने आप लोगों को चीजें बताई दी है, इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। कायथ कल्चर के बारे में, सॉरी कैलकोलिथिक के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। लाइक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर और ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज मतलब होती है कुछ, बात करेंगे कान से बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगेन जो होता है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पीरियड में आती है, और अदर सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिली है, लाइक ब्रह्मगिरी, नर्मदा टोली के पास में, नर्मदा रिवर के पास में चिरांड देखने को मिला है, जो कि अगेन गंगा रीजन है, एंड दिस इज इन बिहार, ठीक है। गंगा का मतलब यूपी मत समझिएगा, दिस इज इन बिहार, सरन डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसी तरीके से महिषादल, ये वेस्ट बंगाल में एक इलाका है, वहां पर आ जाता है। फिर इसी तरीके से आगे और चीजें हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको अगेन मैं यही कहूंगा, रट्टा मारने वाला है, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। अब देखिए हम लास्टली हम लोग देख लेते हैं आयरन एज के बारे में। तो आयरन एज के बारे में लास्टली हमारा आ जाता है। तो आयरन एज जो है वो यहाँ पे अराइवल्स ऑफ आर्यन बोला जाता है,
वैदिक एज कल्चर का स्टार्ट हो जाता है। जैनिज्म बुद्धिज्म यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये रिलीजियस मूवमेंट, फर्स्ट रिलीजियस मूवमेंट हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में देखने को मिलता है इन आवर लेटर वैदिक एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा कस्टम्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारा जो था ऑर्थोडॉक्सिटी आ जाती है, जिसे को लेकर के बुद्धिज्म और जैनिज्म आ जाती है। सबसे पहले जो आती है वो बुद्धिज्म आती है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, बाद में जैनिज्म आती है, ठीक है, और बाकी महाजनपद वगैरह काला जाता है। देखेंगे हम लोग 16 महाजनपद आज हुआ करते थे, उन सबके बारे में क्या चीजें हैं। फटाफट रिविजन कर लेते हैं क्या कुछ हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है हमारा आज, सबसे पहले हम लोगों ने देखा पहले पाषाण काल के बारे में, मतलब कि जो हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में देखा, वहां पर हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, इसको मैं फटाफट लिख देता हूं। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोगों ने देखा, इस पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर हम लोगों ने देखा मिडिल पैलियोलिथिक एज, और फिर हम लोगों ने देखा था अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। इन तीनों इलाकों में जो ह्यूमन था वो बेसिकली बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड हुआ करता था, और बैकवर्ड होने का मतलब है कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही थी, बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट हो रही थी। एनिमल हर्डरर हुआ करता था, यहाँ पर एनिमल हर्डरिंग कर रहा है, इसमें भी एनिमल हर्डरर, इसमें भी एनिमल हर्डरर हुआ करता था। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो होती है काफी पुराने टाइप में थी। इसके बाद से जो नेक्स्ट डेवलपमेंट आ जाती है वो मीजोलिथिक एज की आती है। इस मीजोलिथिक एज में क्या होती है, डेवलपमेंट थोड़ा सा हो जाता है, और डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर माइक्रोलिथ्स बनाना शुरू हो जाता है, मतलब कि यहाँ के लोग जो थे छोटे छोटे हथियार बना रहे हैं, अब जो है फाइननेस आनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ में कुत्ता पाल लिया जाता है, डॉग पाल लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से लास्टली आ जाती है हमारी नियोलिथिक एज के बारे में। इस नियोलिथिक एज में बेसिकली होता है एग्रीकल्चर, पॉटरी, इस पॉटरी के साथ साथ में यहाँ पर फायर और व्हील भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी साइट्स के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है, उसको रट्टा मार लीजिएगा। फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से साइट्स भी हैं। तो साइट्स में जब आप देखेंगे तो हमें मिली हुई है कौन कौन सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पैलियोलिथिक से। तो पैलियोलिथिक में हम लोगों ने बेसिकली पांच तरीके का वैली देखा था, जिसको कि हम लोगों ने एक बोला है बेलन वैली, जो कि कहाँ कहाँ पे, कहाँ पे है, यूपी में, ये मान लेते हैं कि इलाहाबाद है, और यहीं पर जो है मिर्जापुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है वो बेलन वैली आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पर जो होती है पाकिस्तान पंजाब प्रांत में, ये जो है वो सोहन वैली आ जाती है। तो ये बेसिकली सोहन वैली आ जाती है। बनास वैली आ जाती है राजस्थान में, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया बनास वैली। इसी तरीके से लूनी वैली भी आ जाती है, और इस लूनी वैली के बाद में नर्मदा वैली आ जाती है। नर्मदा वैली यहाँ पर है, दिस इज नर्मदा वैली, ठीक है। इसी नर्मदा वैली के पास में हमें मिलती है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका मिल जाती है, क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है जैसे हथनौरा देखा था हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज में, इसी तरीके से मिर्जापुर देखा था, बागौर राजस्थान का देखा था, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का देखा था, लेखड़िया चौपानी मांडो ये हम लोगों ने इलाहाबाद में देखा। सिमिलरली मीजोलिथिक में मैंने आप लोग को बताया था सराय नाहर राय, तो सराय नाहर राय मैंने आप लोग को बताया, दमदमा मैंने बताया, और साथ ही महदहा के बारे में बताया था। तीनों के तीनों कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और ये मीजोलिथिक साइट हो जाती है। सिमिलरली मैंने न्यूलिथिक साइट के बारे में बताया था कि बहुत सारी साइट्स पाकिस्तान में थी, जैसे राणा घुंडई वाला हो गया, या फिर डाबरकोट हो गया, बालाकोट हो गया, इसी तरीके से मुगल घुंडई हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर एक और साइट आ जाती है मेहरगढ़ हो गया। तो ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। सिमिलरली महाराष्ट्र के पास में एक और साइट हम लोगों ने देखा हुआ था, उसके बारे में भी हम लोगों ने इनाम गांव हो गया, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद से कैल्कोलिथिक एज में आ जाते हैं। कैल्कोलिथिक एज में हम लोगों ने बेसिकली पांच तरीके का कल्चर देखा था, जैसे एक कल्चर हम लोगों ने देखा था जो कायथ कल्चर थी, जो बेसिकली मध्य प्रदेश में थी, तो यहाँ पर ये कायथ कल्चर हो जाती है, मालवा कल्चर हो जाती है। राजस्थान में यहाँ पर आ जाती है गणेश्वर कल्चर, दिस वॉज गणेश्वर कल्चर। इसी तरीके से एक और आती है आहर कल्चर, तो आहर कल्चर हो जाती है। और लास्टली एक और जॉर्वे कल्चर आ जाती है, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिलती है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने कैल्कोलिथिक एज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो लास्टली हम लोगों ने देखा था आयरन एज के बारे में, और आयरन एज बेसिकली जो होती है वो अगेन अतरंजी खेड़ा एटा वगैरह में स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।